हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सन का जो मोशन है हमारे हॉरोस्कोप में उसके बारे में, और जिससे हम ये पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक हॉरोस्कोप आया है तो उसका एक बर्थ टाइम है और हम सन के हिसाब से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये बर्थ टाइम सही है कि नहीं है। और भी एक कॉन्सेप्चुअल वर्जन है इस चीज़ का, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये हमारा जो हॉरोस्कोप है, यानी कि हमारा जो कुंडली है, उसमें ये जो स्थान है इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस, यानी कि लग्न। और ये चीज़ है कि मतलब जब बर्थ के टाइम में ईस्टर्न हराइजन में जो भी साइन राइज होता है उसको बोलते हैं लग्न। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, और इसके हिसाब से ये जो सेवन्थ हाउस है ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये जो टेंथ है ये नॉर्थ, और ये टेंथ जो है सॉरी ये साउथ साउथ है, और ये जो फोर्थ हाउस है ये नॉर्थ। तो दोस्तों, सन हमको सबको पता है कि ईस्टर्न डायरेक्शन में उगता है और वेस्ट में उसका अस्त होता है। तब सुबह को जैसे 5 to 7 AM के टाइम में सन जो होता है वो लग्न में होता है, और 7 to 9 ये आपके 12th हाउस में, फिर 9 to 11 ये 11th हाउस में, और जो पीक टाइम होता है हमारे जो कामकाज का जो पीक टाइम होता है, ये चीज़ देख देखिए आप, 5 to 7 ये टाइम पे हम भी मतलब नींद से उठते हैं, तो उसी टाइम पे सन भी मतलब हमारे लग्न में होता है। लग्न भी हमारे बॉडी के बारे में कहता है, और ये मतलब सन भी यहाँ पे हमारे बॉडी के भी दर्शाता है। और ये जो दोस्तों 10th हाउस यानी 11 AM to 1 PM ये टाइम ही हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब बिजी रहते हैं काम में सुबह सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, और फिर 1 बजे से 3 बजे तक शाम को ये 9th हाउस में रहता है सन, और 3 बजे से 5 बजे तक 8th हाउस में सन रहता है। और ये जो 7th साइन है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन यानी कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर जो भी डीलिंग्स, कुछ भी पब्लिक डीलिंग्स, ये सब 7th हाउस दर्शाता है। तो 7th हाउस में 5 to 7 PM सन रहता है, तो इसी टाइम पे दोस्तों हम लोग घर में आते हैं या फिर फ्रेंड्स से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं इसी टाइम में करते हैं। फिर 6th हाउस में 7 PM to 9 PM, और जो 5th हाउस है उसमें 9 PM to 11 PM तक रहता है रात को, और 11 to ये जो 1 AM टाइम है ये 4th हाउस में रहता है। 4th हाउस जो होता है दोस्तों, ये सुख स्थान होता है, घर का स्थान होता है, और मतलब जब हम लोग सोते हैं तो मतलब वो भी ये दर्शाता है, ये जो रेस्टिंग टाइम, इस टाइम पे सन भी रेस्ट करता है, हम भी इसी टाइम पे रेस्ट करते हैं। फिर दोस्तों 1 AM to 3 AM ये 3rd हाउस में सन रहता है, और 3 AM to 5 AM फिर से 2nd हाउस में सन रहता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, जैसे किसी इंसान का बर्थ हुआ 12:30 बजे तो उसका सन ऑब्वियसली ये 10th हाउस में होगा, किसी का अगर जैसे 5:40 में बर्थ हुआ सुबह को तो इसका 1st हाउस में रहेगा, किसी का जैसे शाम को 5:30 में बर्थ हुआ तो इसका 7th हाउस में रहेगा। ऐसे करके हम लोग पता कर सकते हैं इस चीज़ से कि मतलब किसका कब बर्थ टाइम है या फिर कुछ।